नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद कुमार यादव आपका अपने YouTube चैनल स्काय द करंट न्यूज शो में आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों हमारी पहली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है दोस्तों उसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए ये सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है हेलीकॉप्टर मनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगने पर लाइक बटन भी जरूर प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हेलीकॉप्टर मनी हेलीकॉप्टर मनी के तहत दोस्तों हम टोटल चार प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढेंगे सबसे पहला हेलीकॉप्टर मनी क्या है दूसरा हेलीकॉप्टर मनी न्यूज़ में क्यों है तीसरा पॉइंट हम जानेंगे हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग में अंतर और चौथा आपका है क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलीकॉप्टर मनी दोस्तों कोविड नाइन्टीन के कारण अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिन्हें मौद्रिक उपाय कहा जाता है इन्हीं मौद्रिक उपायों में से एक है हेलीकॉप्टर मनी तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था इसका मतलब होता है रुपए को प्रिंट करना और सीधे जनता को बांट देना ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं होती है यह एक तरह से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है क्योंकि यह धन ना तो लोगों को सरकार को लौटाने की जरूरत होती है और ना ही सरकार बैंक को लौटाने के लिए जवाबदेह होती है हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से भी किया जाता है तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सेकेंड पॉइंट हेलीकॉप्टर मनी न्यूज में क्यों है हेलीकॉप्टर मनी न्यूज में क्यों है इसको जानने के लिए देखते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के राव ने कहा कि हेलीकॉप्टर मनी राज्यों को कठिन आर्थिक मोर्चे से बाहर आने में मदद कर सकता है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग के रास्ते देश की जीडीपी का कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सा खर्च करें ताकि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बनी रहे भारत की जीडीपी करीब तीन लाख करोड़ डॉलर है दोस्तों इसका पांच फीसदी पंद्रह करोड़ डॉलर या फिर करीब ग्यारह लाख करोड़ रुपए होता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग में अंतर क्या है हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है लेकिन सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता है तभी सरकार को पैसे देता है बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बॉन्ड वापस खरीदकर रिजर्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है तो ये हो गया दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव इजिंग में अंतर नेक्स्ट देखते हैं क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं यदि सरकार कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब ग्यारह लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी जो कि आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी जिनके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जा रहा है इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार से दुधारी तलवार है और सरकार को इसका इस्तेमाल ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं और कल आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो हम इसी समय अपलोड करेंगे और उसमें एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू